हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में यूज किए जाने वाले वीलुकअप फंक्शन के बारे में, यानी फार्मूला के बारे में। यदि आप किसी नई जॉब को सर्च कर रहे हैं तो एक्सेल और पैड और पावर पॉइंट के बारे में बेसिक और एडवांस और जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में एसोसिएट से लेकर मैनेजर यानी अन्य लोग भी एक्सेल का उपयोग काफ़ी करते हैं, जिसमें से ये ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम वीलुकअप जो देखेंगे बहुत इजी रूप में देखेंगे। वीलुकअप का यूज क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब एक्सेल सीट हमारी ओपन होती है, जैसे ये ओपन हुई है, तो ये हमारा वर्क एरिया है, ये वर्क एरिया है जिसमें से आपको अप टू डाउन यानी ये होता है वर्टिकल, यानी जब होता है ये वर्टिकल, और रो टाइप का होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो यानी आपको कोई भी एक डेटा आया जिसमें से वर्टिकली डेटा रखा हुआ, जैसे ये किसी एक क्लास का डेटा है, किसी एम्प्लॉई का डेटा है, किसी बस का डेटा है, या किसी भी अन्य फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का डेटा हो, तो आपको एक डेटा आया जिसमें आपसे ये पूछा गया, मान लीजिए क्लास का डेटा है किसी स्कूल का, तो उसमें से आया गया कि ये रोल नंबर दिए गए हैं, इनमें से मुझे इनके नाम बताएं और क्लास बताएं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन, और इस पे से आपको एक और डेटा दिया जाएगा जो मास्टर डेटा रहेगा, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें लानी होगी। तो हमने एक मास्टर डेटा बनाया हुआ है यहाँ पर, जो सीट वन पे है। सीट वन पे हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। तो वीलुकअप में होता क्या है, एक्चुअली वीलुकअप में कॉमन फील्ड के आधार पर डेटा लाए जाते हैं। तो ये कॉमन फील्ड शुरू में होता है, मास्टर डेटा में भी, और जहाँ पर लाना है, जैसे सीट में लाना है तो यहाँ कॉमन फील्ड रोल नंबर है, और मास्टर सीट हमारी जो है ये यहाँ पर है, तो ये शुरू में होता है। उसके बाद सारे डेटा होते हैं, क्योंकि वीलुकअप फॉरवर्ड चलता है। तो अब मान लीजिए वीलुकअप हमें लगाना है, तो शॉर्टकट की भी होता है, किसी भी फार्मूला या फंक्शन को यूज करने के पहले प्लस साइन लगाना होता है या इक्वल टू, उसके बाद हमें लिखना है वी एल डबल ओ के यू पी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर वी एल टाइप करने के बाद आप टैब भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको ये लुकअप वैल्यू देखनी है। लुकअप वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू ये है कि आपका कॉमन फील्ड, कॉमन फील्ड क्या है हमारा, ये है रोल नंबर। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद कॉमा हमें देना है यहाँ पर, तो कॉमा हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा टेबल एरे है, ये देखेंगे टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे ये होता है कि आपका जहाँ से डेटा लाना है उसका कॉमन फील्ड। तो ये हमारा कॉमन फील्ड यहाँ पर हो गया। ओके, अब यहाँ पर होता है थर्ड कॉलम इंडेक्स। अब चूंकि हमें लाना है ये कॉलम इंडेक्स, ये कहता है कि हमें जो लाना है यानी नेम लाना है, तो वो वाला किस कॉलम नंबर पे है, तो ये किस नंबर पे है, कॉलम टू पे है। ये हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, ये एक्सेल में आप जैसे शिफ्ट और फॉरवर्ड एरो प्रेस करेंगे तो ये अपने आप आएगा, या फिर आप माउस से ऐसे भी क्लिक करके ला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिख जाता है अपने आप किस कॉलम में आप जा रहे हैं, थर्ड है तो थर्ड। ओके, तो हमें कॉलम टू लाना है क्योंकि नेम लाना है, तो कॉलम टू कॉमा लिखने के बाद टू लिखेंगे, और कॉमा के बाद हमें आप चूँकि ये दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर देखेंगे आप, तो ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो उसके लिए जीरो हम लिखेंगे, और यदि हमें अप्रॉक्स मैच करना है कि कुछ भी मिलता जुलता मिले वो दे दे, तो हम वहाँ पर वन लिखेंगे। तो अभी हम एग्जैक्ट मैच करा रहे हैं तो जीरो लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और इंटर सिंपल सा प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया पांच रोल नंबर का क्या नेम है, ई है। आप यहाँ मास्टर डेटा में जाके देखेंगे तो पांच रोल नंबर जो है उसका नेम जो आ रहा है वो ई आ रहा है। ओके, तो यानी हमारा डेटा करेक्ट है। अब यहाँ पर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपको पेस्ट करना है, उसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी आपको यहाँ पर प्रेस करना है, तो ये यहाँ पर अपने आप वो सारे रिस्पेक्टिव डेटा आ जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको वन बाय वन इसका सर्च करके यहाँ से फिर यहाँ पर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेम एक फार्मूला लगाया और आप उसका पूरा डेटा आपका यहाँ पर उठ के आ गया। तो इसी तरह हम क्लास भी लाते हैं, आपको ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, जिसमें आप क्लास लाएँ और बताएं हमें कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या नहीं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तो इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बधाइयाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।